आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। साथियों, मैं विनय कुमार, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले। साथियों, इस समय मैं बिहार में हूँ और बिहार के बगहा टू जो है, जो चौराहा है, बगहा वन और बगहा टू, बिहार में दो चौराहा है बगहा के नाम पर। तो इस समय मैं बगहा में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बगहा का पूरा जो है चौराहा है और ये पूरी दुकानदारी है इस साइड में। और अगर मेरे पीछे अगर आपको दिखलाऊं तो यहाँ पर बड़ा सा ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग में बहुत सारी दुकानें हैं और ये काफ़ी जो है कि मशहूर चौराहा है इस बगहा वाले इलाके में, काफ़ी मशहूर चौराहा है। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको इस मार्केट में जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ का वैसे मार्केट जो है काफ़ी उत्तर प्रदेश के मार्केट से काफ़ी सस्ता ये मार्केट है, क्योंकि मोटी मोटा जैसे अपने वहाँ जो है मुर्गा जो है, मुर्गे का जो मीट है जो लोग खाते हैं वो अपने वहाँ 190-200 के आसपास में है, लेकिन अभी मैं आपको आगे ले चल के दिखलाऊंगा वो यहाँ पर 160 के बराबर जो है आज की तारीख में मिल रहा है। तो साथियों, मैं यहाँ चिकन की दुकान पर हूँ और यहाँ पर आपको 160 रुपये किलो यहाँ मुर्गा जो है मिल जाएगा। खास बात ये साथियों, एक कमी मुझे खली इस चौराहे पर, वो खास कर ये कि यहाँ पर चाय की दुकान जो है बहुत नॉमिनल है। मतलब अगर यहाँ से 1-2 किलोमीटर की अगर दूरी आप तय करते हैं, 1-2 किलोमीटर की दूरी में आपको कहीं कहीं एकाध चाय की दुकान अगर दिख गई तो दिख गई, बाकी आपको चाय की दुकान इधर बहुत कम दिखाई देंगी। तो मैंने कहा कि मुर्गा यहाँ सस्ता मिलता है, आइए मैं आपको दिखलाता हूँ इधर रेट क्या सस्ता क्या रेट है। भैया, जो रेट टंगा है वही रेट है ना? चलिए, यूपी से सस्ता है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैं चिकन की दुकान पे हूँ और यहाँ रेट लिस्ट यहाँ पर बगल में है, 160 के लगभग है। और अपने वहाँ ज़रा रेट का अंदाज़ा लगाओ कि बिहार महंगा है या फिर यूपी महंगा है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कटिंग काट रहे हैं मुर्गा। जो है छोटा सा एक दुकान है मार्केट के तौर पे, हालांकि जो है कि आसपास में यहाँ मार्केट मैंने देखा नहीं और करीब मैं सुबह से इस इलाके में घूम रहा हूँ, देख सकते हैं। और इसके लिए अगर आप महाराजगंज जिले से हैं तो आपको मदनपुरा जो स्थान है वहाँ से जो है कि पश्चिम साइड कटते हुए आपको आना पड़ेगा। तो ये बगहा अच्छा लगा साथियों, बिहार काफ़ी सुंदर है और बेहतरीन है। साथियों, आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ब्लॉग वीडियो में शूट करने के लिए मैं आपके लिए बिहार तक यार आ सकता हूँ, तो कम से कम आप एक प्यारा सा एक लाइक, एक उंगली उठाओ और यार एक लाइक तो हमारे लिए दवा ही सकते हो। तो ये प्यारा सा आप एक लाइक और कमेंट भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने इस भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कम से कम यार एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और आप कम से कम आल वाले नोटिफिकेशन को जो का जो बटन है उसे दबा दो, क्योंकि उसको दबाने से आपको जो है जो भी मैं पहला वीडियो बना करके जो अपलोड करूँगा तो वो तुरंत आप तक वो वीडियो पहुँच जाएगा। तो साथियों, बहुत ज़्यादा बात न करते हुए आज का ब्लॉग वीडियो मैं समाप्त करता हूँ तथा इसी के साथ आप लोगों को दोबारा जो है नमस्ते सलाम अदाब करता हूँ।